बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, यहाँ पर हम करेंगे 8.8 क्वेश्चन। तो यहाँ मैं कहता है कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है वाई, ठीक है, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ये वाली है हमारे पास, अच्छा पी ऑफ वाई कह लें या एफ ऑफ वाई कह लें, ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रोबेबिलिटीज ऑफ वाई ये हैं हमारे पास, क्या फर्स्ट है हमारे पास 1/4 इंटू 1+3 थीटा, ठीक है, 1+3 थीटा। ये देखें, यहाँ पर एक बात बता दूँ स्टूडेंट, हमारे पास जो थीटा है एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू है 1/4 इंटू 1-थीटा, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये आपको बता दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 1+2 थीटा, 1/4 इंटू 1+2 थीटा, और नेक्स्ट है हमारे पास 1-4 थीटा। और स्टूडेंट अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आपने कंप्लीट आपने पेपर किस तरह सॉल्व करना है, इंशाल्लाह फ्रॉम A to Z आपके साथ शेयर करूँगा। तो और जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट पूछ रहे थे डेफिनेशन, वो भी साथ साथ बता दिया करें, यहाँ नहीं वो इंशाल्लाह अलग से मैं आपको बता दूँगा। यहाँ अब इनका सबका टोटल करेंगे तो आपके पास 1 आना चाहिए, समेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये हमेशा 1 की इक्वल होती हैं। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगी, वैसे अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से भी ये हो सकता है, आप वेरिएबल एक्स ले लें, वाई ले लें, कोई भी थीटा की जगह, ठीक है, तो उसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार करके, कोई बात नहीं है। इन सब की एडिशन करते हैं, देते हैं हमारे पास क्या है, 1/4 इंटू 1+3 थीटा प्लस हमारे पास है 1/4 इंटू 1-थीटा प्लस 1/4 इंटू 1+2 थीटा प्लस 1/4 इंटू 1-4 थीटा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास डिनोमिनेटर जो मखरज है, जिसे आप उर्दू में मखरज कहते हैं, ये हमारे पास सेम है 4, तो ऊपर वाले को हम प्लस ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऊपर एक तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यही रहेंगे 1+3 थीटा रहेगा, ये प्लस ये रहेगा हमारे पास 1-थीटा प्लस 1+2 थीटा प्लस 1-4 थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए दो स्टेप आपने दोनों को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कि आपने सारे जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है सब से पहले उनको ऐड कर लें, जो हमारे पास विदाउट वेरिएबल है या विदाउट अननोन कॉन्स्टेंट है। ये देखिए ये वाला हमारे पास एक कॉन्स्टेंट 1+3 1+ ये वाला हो जाएगा 1, ये 1 और ये 1, टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए, ठीक है। आप कभी भी एक्स को 1 में ऐड नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स का रूल है, x+1 = x+1 नहीं होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते एक्स में एक ऐड करें तो 2x हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो थीटा वाले हैं ये हम अलग से करेंगे। अब ये किस तरह करेंगे देखें आप, 3 थीटा ये है, ठीक है, इसमें से ये वाला 1 थीटा माइनस होगा, कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 थीटा रह जाएंगे। अब 2 थीटा रह गए, 2 थीटा में और 2 थीटा हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 थीटा प्लस 4 थीटा, फिर -4 थीटा करना, ये भी करना था साथ ही, माइनस करेंगे तो आपको पता है ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, डिवाइड बाय 4 है तो 4/4 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1। हम कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ मैंने कहा 1+1+1, ये हमारे पास 4 हो गया, ये 4 थीटा जो है हम मैं अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ना भी लिखे कोई बात नहीं, 3 + 3 में से 1 माइनस किया ये वाला थीटा, ठीक है, 2 थीटा रह गए प्लस 2 थीटा 4 थीटा हो गए, ये प्लस के 4 थीटा है और जो माइनस का 4 थीटा इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 4/4 = 1। तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ चुकी 1, जिसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास करेक्ट है। फिर पूछ रहे हैं हमारे पास वाई की वैल्यूज़ कहाँ लाई करती हैं, तो उनसे पहले जो मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर होगा, इसे आप क्या करेंगे 1/4 को छोड़ देंगे, ठीक है,
क्योंकि बार बार डालना पड़ेगा सबके साथ 1/4, हम एंड पर इसे 4 पर ही डिवाइड कर देंगे। हम देखेंगे इनका सम क्या आ रहा है। जिस तरह ये देखें, हमने नीचे 4 रख लिया, ठीक है, बाकी ऊपर वाले को इनको ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखा। अब यहाँ भी हम यही करेंगे, यहाँ करेंगे 1+, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखें, ये जो थीटा, थीटा की जगह आप वाई भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर में डायरेक्ट थीटा नहीं है। थीटा की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स ले लें या वाई ले लें। चलिए मैं वाई ले लेता हूँ, आप एक्स भी ले सकते हैं। एक्स किस तरह से लेंगे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। 1+ करेंगे हम 3 थीटा, थीटा की जगह मैंने वाई लेने की कोशिश की है, तो वाई आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, डिलीट वाले बटन के बिल्कुल ऊपर। प्रेस किस तरह करना है आपने, ये देखें, आपने ये जो है आपके पास अल्फ़ा, अल्फ़ा प्रेस करना है, फिर एक्स प्रेस करना है। आप एक्स से भी कर सकते हैं, चलिए मैं एक्स से कर लेता हूँ, ठीक है। 1+3x, एक्स प्लस 1-थीटा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1-x प्लस 1-, करेंगे अल्फ़ा प्लस करके यहाँ पर एक्स करेंगे, फिर प्लस 1+2 थीटा, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 1+2x, ठीक है, प्लस 1-4 थीटा है, तो 4x करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास ऊपर आ चुका 4, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये 4 आ चुका, 4 को 4 पे डिवाइड किया, आपके पास आ गया 1। अब ये पूछ रहा है आपके पास y की वैल्यूज कहाँ लाई करेंगी अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, ये कहाँ तक हमारे पास वैलिड फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, जो फर्स्ट वैल्यू है एंड लास्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ चुकी 1, जिसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लिखने या एफ ऑफ वाई लिखने, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये लाइज करेंगे बिटवीन दीज वैल्यूज, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं। फर्स्ट पहले करते हैं डिस्कस, 1/4 × 1+3 थीटा है, इसमें से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये किससे फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू 0 के रख के हम इसे फाइंड आउट करेंगे। जब ये 1/4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड होगा, तो हमारे पास 0 ही आएगा, 1+3 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो हमने फाइंड करना है 3 थीटा, इसको इधर ही रखेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1/3 आ गया। अब इसकी फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की, फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है अब हमारे पास -1/3, ठीक है। अब ग्रेटर लास्ट वाली देख रहे हैं, हमारे पास लास्ट वाली ये है, तो ये देख लेते हैं हम कितनी बन रही है, 1/4 × 1-4 थीटा इक्वल टू 1 रखते हैं, तो इक्वल टू 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, आंसर हमेशा 0 ही आना है, 1-4 थीटा इधर बचेंगे। अब 4 थीटा को इधर ही रखना है, -4 थीटा, ये जो 1 है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास हो जाएगी 1/4, तो लास्ट वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 1/4। ये देखें, हम लिख सकते हैं यहाँ, सो दी वैल्यूज ऑफ वाई, दी वैल्यूज कह लें आप, लाइज बिटवीन, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, लाइज बिटवीन -1 to 1/4, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।